आज की वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग मोबाइल के मॉडल्स में जो एंड्रॉयड मॉडल हैं उनमें हम सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों ये कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया, और इस बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है जब मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिल जाएगी। अब दोस्तों सवाल उठता है कि हम सब्सक्राइब क्यों करेंगे, कि दोस्तों मैं जहाँ पर आपके लिए नई नई वीडियोस टेक के संबंधित लेकर आता रहता हूँ, और दोस्तों इसके अलावा मैं कुछ मिस्ट्री की वीडियो भी लेकर आता रहता हूँ, और दोस्तों मैं आपके मोटिवेट करने के लिए भी कुछ वीडियो बनाता रहूँगा जो आपके बहुत काम आएंगी। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लें और वॉल्यूम डाउन और होम बटन और पावर बटन को एक साथ दबाएं। सैमसंग का लोगो आने पर इन बटन को छोड़ दें, सभी बटन्स को, और आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा। अब दोस्तों इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर तो वॉल्यूम अप बटन दबाएं, नहीं तो डाउन। तो वॉल्यूम अप दबाने के बाद आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। इसके बाद अपने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट कर लें। अब ओडिन 3 सॉफ्टवेयर को चलाएं। जी हाँ दोस्तों, ये ओडिन 3 सॉफ्टवेयर आपको जब आप किसी भी मोबाइल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ कंपैटिबल ओडिन 3 आपको बीच में मिल जाएगा उसकी जिप फाइल में। अब दोस्तों अपने सॉफ्टवेयर फाइल को सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा समा वेट करें। जब दोस्तों पीडीएफ हाईलाइट हो जाए तो स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल पड़ी है। दोस्तों मोस्टली सैमसंग के मॉडल्स पर ओडिन 3 का यूज कर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों आपने देख ही लिया, ये कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और उसके बाद आराम से वेट करना है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होने की। चलिए दोस्तों जहाँ से मैं कुछ फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। दोस्तों जब इंस्टॉलेशन चल पड़ेगी तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस तरह की प्रोसेस दिखाई देगी। दोस्तों ये प्रोसेस कंप्लीट होने पर आपके मोबाइल पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रहे, ओडिन 3 सैमसंग के मॉडल के लिए यूज़ किया जाता है, और दूसरे मॉडल्स पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए अलग तरह के फ्लैश टूल होते हैं। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए किसी और मोबाइल के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूं। दोस्तों अब आपने जो आवाज़ सुनी इसका मतलब अब फ़ोन पूरी तरह तैयार हो चुका है चलने के लिए, और दोस्तों थोड़े समय बाद फ़ोन को ऑन करें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई और सच में आपकी मदद हुई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और इन दो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका
दिन शुभ हो। जय हिंद।